नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए नजर डालते हैं देश भर से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों की ओर। तो बात करते हैं सबसे पहली खबर की। तो 31 मार्च तक केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर छूट दे रखी है। आपको बता दी, यह छूट केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो यस बैंक के पैसे डूबने नहीं देंगे, ऐसा सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यस बैंक के ग्राहकों को 50,000 से अधिक रुपए लेने पर पाबंदी लगा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो देश भर में कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या बढ़कर के 31 हुई, जिसमें 15 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। और कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर में $347 अरब नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 27 से 29 मार्च तक आईफा अवार्ड को रद्द कर दिया गया है, और ऐसा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण किया गया है। कोरोना वायरस को देखते हुए देश भर में हवन और दुआओं का दौर जारी है। प्रयागराज में जहां हवन पूजन के माध्यम से कोरोना वायरस को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, वहीं कई जगहों पर मस्जिदों में अजान और दुआओं का दौर भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के आशंका को देखते हुए सरयू आरती और सभा को उन्होंने रद्द कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो कोरोना वायरस के साथ ही साथ यस बैंक के बढ़ते शेयरों की वजह से सेंसेक्स में भारी गिरावट देखी गई है। सेंसेक्स 1000 के करीब नीचे गिर गया है, वहीं निफ्टी भी धड़ाम है। अब बढ़ रहे हैं अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें, कल संसद में कांग्रेस सांसदों के द्वारा कागज फाड़कर सभापति की ओर फेंके गए थे, जिसके बाद 7 कांग्रेस सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। अगली खबर दिल्ली हिंसा से जुड़ी हुई है। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस का राहुल गांधी के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगली खबर होली से जुड़ी हुई है। जी हां, होली का उत्सव धीरे धीरे लोगों के द्वारा मनाया जाना शुरू हो गया है, और उत्तराखंड के रामनगर में होली गायन का कार्यक्रम शुरू हो गया है। उत्तराखंड के रामनगर में खड़ी होली गायन का रिवाज है, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है। तो ये थी देश भर से जुड़ी हुई प्रमुख खबरें। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।